पीएचसी थुनाग में सरकारी डॉक्टर के द्वारा लापरवाही के मामले पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रूबरू होते हुए स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्हें मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर 5 ऑपरेशन करने के बाद थका हुआ और बेचैन महसूस कर रहा था। इस कारण वह पीएचसी में थोड़े समय के लिए आराम पर चला गया। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने शोर मचा दिया। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि इस घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने कटौला से डॉक्टरों की टीम भेजी थी और जिन महिलाओं के ऑपरेशन उस दिन नहीं हो पाए थे उनके रहने और खाने का इंतजाम भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा कर दिया गया था। आपको बता दें, आरोपी डॉक्टर को स्वास्थ्य विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। क्या कहना है ठाकुर कौल सिंह का इस पूरे मामले पर, आइए सुनते हैं। ऑपरेशन किए परसों, 5 ऑपरेशन के बाद उसने कहा मैं अनइजी फील कर रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ऑपरेशन ही करना चाहता, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। और जब वो रेस्ट करने के बहाने पीएचसी में चला गया तो लोगों ने शोर डाला। जब शोर डाला तो हमने एक कटौड़ा से टीम जो है, जो सुपर स्पेशलिटी कैंप लगा था, वो टीम हमने वहाँ भेजी। वो 5 बजे टीम जो है थुनाग में, पीएससी थुनाग में पहुँच गई। लेकिन तब तक लोगों ने कहा जी आज नहीं, हम अब कल ऑपरेशन कराएंगे। जो लोग वहाँ, जो महिलाएं आई थी, उनके हमने रहने का भी इंतजाम किया थुनाग में, उनके खाने का भी प्रबंध किया और दूसरे दिन उनके ऑपरेशन करके उनके घरों पर भी एम्बुलेंस के माध्यम से हमने भेज दिया है। तो ऐसी कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, जो डॉक्टर ने लापरवाही की थी उसको जो है हमने सस्पेंड कर दिया है।